मांग पर समाज समाजविदों अर्थशास्त्रियों और खुद श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो आग्रह किया था कि समाज के दिहाड़ीदार मजदूरों, गरीब तबकों, दैनिक वेतन भोगियों और समाज के सबसे वल्नरेबल सेक्शंस को आज मदद की आवश्यकता है। कोरोना वायरस से लड़ने में जहां स्वास्थ्य की लड़ाई है, वहां एक इकोनॉमिक लड़ाई भी है। आज सरकार ने एक पैकेज की घोषणा की। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सरकार द्वारा दिए गए उस पैकेज का स्वागत करते हैं, पर यह साफ है कि यह बहुत कम है कोरोना से लड़ाई लड़ने में और गरीब दिहाड़ीदार मजदूरों, डेली वेजर्स, टेम्परेरी एम्प्लॉयज, ठेले वालों, रेड़ी वालों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फिशरमैन, उनकी जिंदगी और जीवन यापन के लिए आज जब पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने किसान को 1 अप्रैल को 2,000 रुपया देने का निर्णय तो पीएम किसान योजना में किया, पर यह राशि तो 6,000 रुपया सालाना है, 4,000 रुपया काट क्यों लिया गया? पूरी 6,000 रुपया राशि ही 1 अप्रैल को इस संकट की घड़ी में किसान को क्यों नहीं दी जा रही? ये हमारा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है। और सोनिया जी ने कहा है कि यह राशि कम से कम 7,500 रुपया होनी चाहिए, 6,000 रुपया के अलग, तभी किसान के हम आंसू पहुंच पाएंगे। और वो किसान जो खुद मालिक नहीं जमीन का और वो काश्त करता है जमीन ठेके पर लेकर, उसको तो एक फूटी कोड़ी राशि नहीं मिलेगी। और खेत मजदूर जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, उसे क्या मिलेगा? प्रश्न ये है। और आज फसल कटने के लिए तैयार खड़ी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि में तो इस समय कटाई पूरे यौवन पर है, और पंजाब, हरियाणा और दूसरे प्रांतों के अंदर भी अब आ जाएगी। तो ऐसे में ये बताइए कि कटाई का क्या इंतजाम है? सारी मंडियां बंद पड़ी हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी एजेंसियां खरीद के लिए सामने नहीं आ रही। अगर किसान फसल की कटाई को 20 या 25 दिन मुलतवी कर देगा तो उसकी खड़ी फसल का 40% नष्ट हो जाएगा, और ऐसे में पूरे साल की उसकी कमाई की भरपाई कौन करेगा? क्या आप ये समझते हैं कि पूरे देश में इस समय 334 लाख हेक्टेयर में अकेले गेहूं की फसल खड़ी है, सरसों और दूसरी रबी की फसलें अलग रह गई। पंजाब में 130 लाख टन, हरियाणा में लगभग 93 लाख टन, यूपी में 37 लाख टन, मध्य प्रदेश में लगभग 68 लाख टन, इस सारी फसल की कटाई कैसे होगी? कृपया करके आपसे विनम्र निवेदन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से है, फसल कटाई का और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का आप उपयुक्त इंतजाम करें, तभी किसान अपनी जिंदगी जी पाएगा। जनधन खातों में 3 महीने के लिए 500 रुपया हर महीने डालने का निर्णय का हम स्वागत करते हैं, पर क्या 500 रुपया में 5 या 6 आदमियों का परिवार अपना पेट पाल पाएगा? इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह मांग रखी थी कि न्याय योजना लागू की जाए, या हर जनधन खाते में हम हर एमजी नरेगा के मजदूर श्रमिक के खाते में हर पेंशन अकाउंट के अंदर एक बार में एक मुश्त राशि 7,500 रुपये की डाली जाए। 7,500 में से आपने केवल 500 स्वीकार किए, ऐसे लोगों की जिंदगी चलेगी कैसे? और केवल ये नहीं, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति फ्री देने का निर्णय किया है। आप खुद निर्णय कर सकते हैं, एक व्यक्ति एक दिन में 3 जून की रोटी खाए तो लगभग 500 ग्राम अनाज खाता है, 21 दिन में यही 10 किलो की राशि बनती है। हर व्यक्ति को हमारी ये मांग है, अगले 21 दिन में 10 किलो मुफ्त अनाज, चावल या गेहूं दिया जाए, तभी वो अपना और परिवार का पेट पाल पाएगा, और कम से कम 5 सदस्यों के परिवार को 3 किलो दाल दी जाए, नहीं तो हम उसको अपने रहमो करम पर छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ कर्मियों के लिए 50 लाख की बीमा राशि तो स्वागत योग्य है, परंतु आज वो कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं, उनको दुगनी तनख्वाह क्यों ना दी जाए?
इस समय डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की जरूरत है, क्योंकि उन्हें भी अपने परिवार का पेट पालना है। कृपया उनके लिए कुछ कीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए, वो सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, कोई राहत की घोषणा नहीं की गई। बैंकों की ईएमआई 30 जून तक मुलतवी क्यों नहीं की जा रही? सरकारी इंप्लॉयज ने जो लोन लिया है उसकी जो किस्त कटती है उसे 30 जून तक क्यों मुलतवी नहीं किया जा रहा, और उस पर लगने वाले ब्याज को भी मुलतवी किया जाना आवश्यक है। इसके साथ साथ चारों ओर कालाबाजारी हो रही है, हैंड सैनिटाइजर्स की, मास्क की, प्याज, आलू, दाल, दूध, ऐसी वस्तुएं मिल ही नहीं रही पूरे देश में लोगों को, और मिल रही हैं तो चार चार गुना रेट के ऊपर। यहां तक कि आम मसालों की जो कीमत है वो भी बढ़कर पांच पांच गुना हो गई है। लोग अपना घर कैसे चलाएं? इसलिए ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उन सारे काला बाजारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और आम रेट पर सब्जी, दाल, प्याज, आलू, लहसुन और दूसरी चीजें आम आदमी को मिल सकें। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात, जो छोटे छोटे मध्यम उद्योग हैं, दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, उनका धंधा ठप हो गया, उनके पास कोई काम बचा नहीं, उनके लिए सेक्टर वाइज एक विशेष पैकेज की घोषणा की आवश्यकता है, जैसा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आपसे आग्रह किया है। कोरोना वायरस से इस लड़ाई में पूरा देश इकट्ठा है, कोई राजनीतिक मतभेद नहीं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देशवासियों की ओर से हम हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करते हैं कि इन सारी बातों पर ध्यान दें, किसान पर ध्यान दें, दिहाड़ीदार मजदूर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर ध्यान दें, फैक्ट्री वर्कर पर ध्यान दें, 5 लाख ट्रकर जो अपने अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं उन पर ध्यान दें, छोटे छोटे दुकानदार और व्यवसायी पर ध्यान दें, और फसल की कटाई और उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ध्यान दें। गया, पर हरियाणा सरकार का एक नया फैसला है, इसको लेकर लोग भी निंदा कर रहे हैं काफी सोशल मीडिया पर। भाजपा जजपा सरकार का शराब के ठेके खोलना, वो भी कोरोना वायरस की लड़ाई में, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज राजनीति का दिन नहीं, पर हमने दो खबरें देखी आपके टेलीविजन चैनल्स पर। एक खबर थी जहां दवा की बजाय सरकार दारू बिकवा रही है, खट्टर सरकार, भाजपा जजपा सरकार, और दूसरी खबर थी कि किस प्रकार रोहतक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ना होते हुए भी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। आदरणीय खट्टर साहब, ये हमारी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि दारू बेचना बंद करें और दवा और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का इंतजाम करें, यही 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों के लिए सही सेवा होगी।